सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज इस वीडियो में मैं प्रायोरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। इसके पहले कुछ वीडियो प्रायोरिटी का मैं अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये प्रायोरिटी का थर्ड वीडियो है। तो सेकेंड वीडियो में मैं प्रायोरिटी का डिफिनेशन बताया था, क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रायोरिटी। तो आज मैं प्रायोरिटी का कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन प्रायोरिटी का डिफिनेशन का थोड़ा सा मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसका जरूरत पड़ेगा। तो क्या है, कैसे निकालते हैं किसी इवेंट का प्रायोरिटी, ये सारे कुछ मैं पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। इवेंट क्या होता है, सिंपल स्पेस क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, एग्जस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बहुत सारा डिफिनेशन वगैरह मैं पहले बता चुका हूँ दो वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई इवेंट ई है और ई इवेंट का प्रायोरिटी निकालना है। ई इवेंट अकर कर रहा है, इसका प्रायोरिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी इवेंट का प्रायोरिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ई इवेंट के लिए कितने फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट है वो ऊपर में न्यूमरेटर में लिखते हैं, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स होगा उसको नीचे लिखेंगे, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इस इवेंट का प्रायोरिटी बता देगा। और इसका एक दूसरा तरीका भी है, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू एनी, ई में जितना एलिमेंट्री इवेंट है उसकी संख्या को हम लोग एन ई से डिनोट कर रहे हैं, और एस सिंपल स्पेस है, इसमें जितना एलिमेंट है उसको एन एस से डिनोट कर रहे हैं। तो एन ऑफ ई क्या है, ई इवेंट में जितना एलिमेंट है उसकी संख्या, और एन एस है, एस सिंपल स्पेस में जितना भी एलिमेंट है उसकी संख्या है। अब इसका प्रायोरिटी निकालने के लिए ये भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। आप चाहे ये फॉर्मूला लिखिए या ये फॉर्मूला लिखिए, दोनों एक ही है। इसको भी लिख करके निकाल सकते हैं, इसको भी लिख करके निकाल सकते हैं। अगर इवेंट ई हम लोग को पता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और अगर फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हम लोग को पता है तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। दोनों एक ही है तो किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आज इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। कोई ऑर्डिनरी ईयर है, मीन्स ईयर जो है वो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर होता है। तो यहाँ ऑर्डिनरी ईयर कहने का मतलब है नॉन लीप ईयर। तो अगर कोई नॉन लीप ईयर हो तो उसमें 53 संडे हो नॉन लीप ईयर में, इसका क्या प्रायोरिटी है। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट ये नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे। नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने का क्या प्रायोरिटी है, या ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे होने का क्या प्रायोरिटी है। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसको। इन एन ऑर्डिनरी ईयर देयर आर 365 डेज। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होता है, लीप ईयर में 366 डेज होता है। तो यहाँ ऑर्डिनरी ईयर है, नॉन लीप ईयर है, इसमें 365 डेज है, और 365 डेज में कितने वीक होंगे, आप 365 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 5 जा 35, और यहाँ पर 1 और 15, 2 7 2 जा 14, तो ये 52 वीक्स हो गया और एक एडिशनल डे बच गया। 52 वीक्स के अलावा एक और अतिरिक्त दिन होगा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इन विच 52 वीक्स एंड वन एडिशनल डेज। ऑर्डिनरी ईयर जो है उसमें 365 डेज है जिसमें 52 वीक्स है और एक अतिरिक्त दिन और है, तो 52 वीक्स होने के कारण 52 संडे तो निश्चित रूप से होगा ही। तो 10 एन ऑर्डिनरी ईयर 52 संडेज एंड वन एडिशनल डे। 52 संडे तो होगा ही और उसके अलावा एक और दिन होगा, वन एडिशनल डे, मे बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डे। अब ये वन जो डे बच रहा है वो कोई भी हो सकता है, या तो संडे हो सकता है, या मंडे, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे। तो 52 संडे तो 52 वीक्स में निश्चित रूप से होगा। जो वन एडिशनल डे बच रहा है वो या तो ये 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो अगर हम लोग एस मान लें सिंपल स्पेस को, इफ़ एस बी द सिंपल स्पेस एंड ई बी द इवेंट दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 संडे, तो एस मान लिए सिंपल स्पेस को और ई इवेंट मान लेते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे हो, इस घटना को हम लोग ई मान लिए, तो सिंपल स्पेस में क्या हो जाएगा,
ये 52 वीक तो 52 संडे तो निश्चित है, अब जो वन एडिशनल डे है यही ना यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो वन एडिशनल डे अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो टोटल कितने तरीके से हो सकता है, 7 तरीके से, तो ये सब सिंपल स्पेस में काउंट हो जाएगा, यही यहाँ पर एलिमेंट्री इवेंट होगा, तो ये यहाँ पर यहाँ 7 डेज जो है वही सिंपल स्पेस में आएगा, यानी कि ns इक्वल टू 7 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल स्पेस इज 7, और 53 संडे हो इसके फेवर में कौन सा दिन होगा, सिर्फ संडे अगर आएगा तभी 53 संडे हो सकता है, 52 वीक्स में 52 संडे हो गया, और ये जो एक दिन बच रहा है, एक दिन जो है वो संडे होने के बाद ही 53 संडे होगा, तो ये n ऑफ e इज इक्वल टू 1 हो गया, फेवरेबल के सिर्फ संडे है तभी 53 संडे हो सकता है, तो n ऑफ e इज इक्वल टू 1 क्यों, बिकॉज ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे इफ वन एडिशनल डे मस्ट बी संडे, जो एक अतिरिक्त दिन बचा है वो निश्चित रूप से संडे होगा, तभी ये घटना घटेगा, यानी कि 53 संडे होगा, तो इसके फेवरेबल केस जो है वो 1 हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ई कितना था 1 और सिंपल स्पेस में कितना एलिमेंट था 7, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/7, तो ये निकल गया किसी ऑर्डिनरी ईयर में नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी, और कितना आया ये 1/7। इसी तरीके से आप लीप ईयर अगर रहे तो लीप ईयर में 53 संडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो आप निकाल सकते हैं, लीप ईयर में क्या होगा, यहाँ पर 365 डेज था उसमें 366 डेज हो जाएगा, तो 366 डेज होगा तो यहाँ पर 2 डेज बच जाएगा, एडिशनल डे जो है वो 2 डेज बचेगा, तो 2 डेज जो है वो क्या क्या हो सकता है, कंटिन्यूस होगा, जो 2 अतिरिक्त दिन बच रहा है वो तो या तो संडे मंडे होगा, या फिर मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, या फ्राइडे सैटरडे होगा, तो ये हो गया सिंपल स्पेस का एलिमेंट, और फेवरेबल केस वहाँ पर 53 संडे होने के लिए 2 केस हो जाएगा, या तो संडे मंडे और एक सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे रहने से भी हो सकता है या फिर संडे मंडे से भी हो सकता है 53 संडे, तो वहाँ पर 2/7 आएगा, लीप ईयर में 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी 2/7 होगा, उसको आप बनाइएगा और देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अब हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ईच कोएफिशिएंट इन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज डिटरमाइंड बाय थ्रोइंग एन ऑर्डिनरी डाई। क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से कोएफिशिएंट है a, b और c, तो a, b, c कैसे निकाला जा रहा है, हम लोग एक पासे को फेंक रहे हैं और पासे में जो नंबर आ रहा है उसी से ए बी सी निकाल रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे एक बार एक पासे को फेंकेंगे जो नंबर आएगा उसको ए के जगह पुट कर देंगे, फिर दूसरे बार पासे को फेंकेंगे जो नंबर आएगा उसको बी के जगह पुट कर देंगे, फिर तीसरे बार पासे को फेंकेंगे और जो नंबर आएगा उसको सी के जगह पुट कर देंगे, तो ए बी सी हम लोग कैसे निकालेंगे पासे को फेंक करके, पासे में जो भी नंबर आ रहा है उसी को ए बी सी मानेंगे, तो इस तरीके से बहुत सारा इक्वेशन बन सकता है, कितना इक्वेशन बनेगा मैं बताऊंगा अभी, तो इस तरीके से ये ए बी सी निकाल करके इसको इक्वेशन को लिखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, अब इस इक्वेशन का रूट रियल हो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग पासे को फेंके और नंबर 5 आ गया तो हम लोग यहाँ पर 5 बैठा देंगे और एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग दूसरा बार पासे को फेंकेंगे और नंबर मान लीजिए 4 आ गया तो 4 बैठा देंगे एक्स, और फिर पासे को फेंकेंगे और नंबर मान लीजिए 1 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन का रूट कैसे क्या होगा, रियल होगा इमेजिनरी होगा, तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए के जगह 5 और c के जगह है 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी करते हैं तो 16 माइनस 20 यानी कि ये आ गया माइनस 4 जो लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रूट जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा, तो रियल रूट नहीं आ रहा है, रियल रूट भी आ सकता है यहाँ पर ए बी सी ऐसा निकल जाएगा कि रियल रूट भी हो,
तो इसका रूट रियल हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? रूट रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो इस इक्वेशन का रूट जो है वो रियल आवे, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है। तो कैसे इस सवाल को बनाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रियल। रियल रूट कब होगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आप इधर ले आइए तो बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए सी होना चाहिए। अगर बी स्क्वायर फोर ए सी से बड़ा होगा तब इस इक्वेशन का रूट रियल होगा। अब हम लोग ऐसा ही ए बी सी पता करेंगे ताकि बी स्क्वायर ग्रेटर देन फोर ए सी हो। अब जरा देखिए कि कितना इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग, पासे को फेंक करके ए बी सी निकाल रहे हैं, तो कितने तरीके से हम लोग ए बी सी निकाल सकते हैं ये देखिए कि सिंस ईच कोएफिशिएंट इन दिस इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय थ्रोइंग एन ऑर्डिनरी डाई। पासे को फेंक करके प्रत्येक कोएफिशिएंट को निकाल रहे हैं, तो ईच ऑफ द कोएफिशिएंट ए बी सी कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 6। अब ए का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, पासे को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर फेंकेंगे तो मान लीजिए 2 अगर आ गया तो 2 भी हो सकता है, अगर 3 आ गया तो 3 हो सकता है, 4 आ गया तो 4, 5 आ गया तो 5, 6 आ गया तो 6। तो ए का कितने तरीके से वैल्यू हो सकता है, 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है, 6 से तो ज़्यादा नहीं आएगा। इसी तरीके से बी में जो नंबर आएगा, बी का जो वैल्यू आएगा वो भी पासे को फेंक करके ही निकालना है। तो पासे को फेंकेंगे तो 1 से 6 तक आ सकता है, तो बी का भी वैल्यू 1 से 6 तक, और इसी तरीके से सी का भी वैल्यू 1 से 6 तक। तो ए बी सी अगर तीनों का वैल्यू निकालना है एक साथ तो 3 बार पासे को फेंकना पड़ेगा, यानी कि इसका भी 6 तरीके से, इसका भी 6 तरीके से, इसका भी 6 तरीके से। तो तीनों का निकालने का टोटल तरीका क्या होगा, 6 × 6 × 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, जिसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल स्पेस भी कह सकते हैं। तो ए का निकालने का भी 6, बी का भी 6, सी का भी 6, यानी टोटल 216 तरीका होगा। तो 216 इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं इस इक्वेशन को, ए बी सी निकाल लेंगे हम लोग पासे को फेंक करके, तो टोटल 216 इक्वेशन बना सकते हैं। अब 216 इक्वेशन जो बनेगा उसमें से कुछ इक्वेशन का रूट रियल होगा, कुछ का इमेजिनरी होगा। तो रियल रूट कितने इक्वेशन का होगा वो पता करना पड़ेगा। रियल रूट हम लोग का पता चल जाएगा कि कितने इक्वेशन का होगा, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, अब कितने ऐसे केस होंगे जिसमें रियल रूट होगा, तो फेवरेबल केसेज कैन बी इनुमरेटेड एज फॉलोज। देखिए कैसे निकालते हैं कि रियल रूट कितने इक्वेशन का होगा, वो निकालेंगे कैसे। यहाँ देखिए हम लोग कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं कि ए सी का वैल्यू कितना आएगा, फिर ए सी का वैल्यू निकालने के लिए ए और सी चाहिए तो ए और सी को लिख रहे हैं, फिर 4AC लिख देंगे, फिर बी लिख लेंगे कि बी कैसे निकाल सकते हैं, बी ऐसा निकालना है ताकि रियल रूट हो, रियल रूट के लिए बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4AC और नंबर ऑफ केसेज, ये इतना कॉलम बना लिए। हम लोग सबसे पहले AC के बारे में देखते हैं कि AC का वैल्यू 1 से तो छोटा नहीं हो सकता है, ए और सी जो है वो पासे को फेंक करके नंबर ला रहे हैं, तो ए और सी का जो वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा नहीं आ सकता है दोनों का प्रोडक्ट, और ये ए सी 0 तो नहीं आ सकता है क्योंकि पासे में तो 0 नहीं आएगा, तो ए और सी दोनों पॉजिटिव नंबर है, 1 या 1 से बड़ा ही होगा। तो ये भी अगर 1 रहे, ए भी 1 रहे और सी भी 1 रहे, तो वैसे केस में दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1। और जब ए सी 1 हो गया तो 4AC कितना हो गया, 4 हो गया। अब B का वैल्यू क्या क्या ऐसा हो सकता है ताकि B स्क्वायर ग्रेटर देन 4AC हो, कौन कौन सा B हम लोग रख सकते हैं ताकि B स्क्वायर ये 4AC से बड़ा होना चाहिए, ये 4AC है इससे बड़ा होना चाहिए। तो देखिए B का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 4AC के बराबर हो सकता है, ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो B का वैल्यू 2 रख सकते हैं, 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 हो गया, और 4AC भी 4 है, दोनों इक्वल हो जाएगा। 1 नहीं रख सकते हैं, अगर B का वैल्यू हम लोग 1 रख लेते हैं तो B स्क्वायर ग्रेटर देन 4AC नहीं होगा, क्योंकि B का वैल्यू 1 है, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 4AC का वैल्यू 4 है, 1 4 से बड़ा नहीं है, तो इसीलिए B का वैल्यू 1 नहीं होगा। तो B का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 4AC से बड़ा हो जाएगा, 4AC का वैल्यू 4 है, और फिर 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है या 6, 6 से ज़्यादा B का वैल्यू नहीं हो सकता है क्योंकि B का वैल्यू हम लोग पासे को फेंक करके निकाल रहे हैं, तो पासे को फेंकेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा। तो B का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से। तो A और C का निकालने का तरीका एक तरीका हुआ, A का और C दोनों का निकालने का तरीका एक हुआ, और B का निकालने का यहाँ पर 5 तरीका है, तो टोटल केसेस कितना हो गया, 5।
अब हम लोग क्या करते हैं, एसी को मान लेते हैं टू है, तो एसी जो है वो टू कैसे हो सकता है, दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका हो सकता है ए का वैल्यू वन और सी का वैल्यू टू, तो दोनों का प्रोडक्ट टू आ जाएगा। या दूसरा तरीका हो सकता है कि ए का वैल्यू टू हो और सी का वैल्यू वन हो, तो इसमें भी टू और वन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा। तो अगर ए सी का ए इंटू सी अगर टू है तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, ए का वैल्यू वन सी का वैल्यू टू, या फिर ए का वैल्यू टू और सी का वैल्यू वन। तो ये दो पॉसिबिलिटी ए सी निकालने का। और फोर ए सी कितना हो जाएगा इसके सामने लिखिए, तो ए सी टू है, फोर ए सी हो जाएगा, फोर टू जा एट हो जाएगा। अब बी ऐसा लेना है ताकि उसका स्क्वायर फोर ए सी से बड़ा हो, फोर ए सी एट है, अब बी ऐसा लीजिए ताकि इस एट से बड़ा हो बी स्क्वायर या फिर इक्वल टू हो। तो टू तो नहीं रख सकते हैं, टू का स्क्वायर फोर आता है, फोर तो इससे बड़ा नहीं है, तो थ्री रख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर नाइन, अगर नाइन लेते हैं तो नाइन तो एट से बड़ा हो गया ना, तो इसीलिए थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है। तो ए और सी निकालने का यहाँ दो तरीका हुआ और बी निकालने का यहाँ पर चार तरीका हुआ। तो आप दोनों निकालना है, बी भी और ए सी भी, क्योंकि यहाँ पर बी का अलग तरीका हो गया, फोर ए सी का अलग तरीका हो गया, तो यहाँ पर दो तरीका है ए सी का। तो ये बी निकालने का फोर्थ वेज है, तो टू इंटू फोर यानी टोटल केसेज यहाँ पर क्या होगा, एट तरीका होगा इसमें, अगर ए सी का वैल्यू हम लोग टू रखते हैं तो। अगर ए सी का वैल्यू थ्री रखते हैं तो यहाँ पर भी दो तरीका होगा, या तो ए का वैल्यू वन रख लें और सी का वैल्यू थ्री रख लें ताकि दोनों का प्रोडक्ट थ्री आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए का वैल्यू थ्री रखें और सी का वैल्यू वन रखें तो भी ये थ्री हो जाएगा। अब फोर ए सी अगर निकालेंगे तो यहाँ पर ट्वेल्व हो जाएगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व। अब हम लोग बी ऐसा चूज करना है ताकि बी स्क्वायर इससे बड़ा हो या फिर इसके इक्वल, तो क्या रख सकते हैं, थ्री भी नहीं रख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर नाइन आता है, इससे बड़ा नहीं है, फोर रख सकते हैं, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन इससे बड़ा है, या फाइव रख सकते हैं या फिर सिक्स रख सकते हैं। तो ए और सी निकालने का दो तरीका हुआ और यहाँ पर बी निकालने का तीन तरीका हुआ, तो टोटल तरीका हो जाएगा सिक्स आ जाएगा। अब हम लोग ए सी अगर फोर लेते हैं तो फोर अगर लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर ए और सी क्या लेंगे ताकि ए और सी दोनों का प्रोडक्ट फोर आ जाए। तो देखिए, ए हम लोग अगर वन ले लेते हैं और सी फोर ले लेते हैं ताकि प्रोडक्ट फोर आ जाएगा, या दूसरा हो सकता है ए टू ले लें और सी भी टू ले लें तो टू टू जा फोर आ जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ए हम लोग फोर ले लें और सी को वन कर दें। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज है, ए और सी का प्रोडक्ट फोर लाने का तीन पॉसिबिलिटीज है, ए को वन सी को फोर, ए को टू भी सी को टू, और ए को फोर और सी को वन। अब फोर ए सी कितना हो जाएगा, तो फोर फोर जा सिक्सटीन हो गया। अब बी क्या चूज करेंगे, बी हम लोग फोर ले सकते हैं क्योंकि फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आता है, सिक्सटीन तो सिक्सटीन के बराबर है, बी स्क्वायर और फोर ए सी बराबर भी हो सकता है, तो बी का वैल्यू हम लोग फोर ले सकते हैं या फाइव ले सकते हैं या सिक्स ले सकते हैं। तो इस केस में कितने तरीके होंगे टोटल, ए और सी चूज करने का यहाँ तीन तरीका हुआ, तो थ्री वेज ये हो गया ए सी को चूज करने का, और बी का चूज करने का भी थ्री वेज हो गया, तो टोटल यहाँ पर नाइन वेज हो जाएगा। अब हम लोग अगर ए सी का प्रोडक्ट को फाइव लेते हैं तो यहाँ पर कितना तरीका होगा, तो ए सी का प्रोडक्ट लेंगे फाइव, तो यहाँ पर या तो ये वन रख लें और फाइव कर दें सी को, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ए को फाइव और सी को वन। इसी तरीके से यहाँ पर फोर ए सी करेंगे तो ट्वेंटी हो जाएगा। अब बी का वैल्यू हम लोग क्या चूज करेंगे, बी का वैल्यू हम लोग चूज कर सकते हैं, फोर नहीं ले सकते हैं क्योंकि फोर का स्क्वायर सिक्सटीन इससे बड़ा नहीं है, फाइव ले सकते हैं या फिर सिक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर ए और सी चूज करने का दो तरीका हुआ और बी चूज करने का यहाँ पर टू वेज हुआ, तो टोटल कितना हो गया फोर वेज। अब हम लोग सिक्स अगर कर दें इसको, तो सिक्स कर देते हैं तो क्या क्या तरीका हो सकता है, वन और सिक्स हो सकता है, ए का वैल्यू वन और सिक्स सी का वैल्यू सिक्स, या दूसरा तरीका हो सकता है ए का वैल्यू टू और ये थ्री कर दें, या तीसरा तरीका हो सकता है कि ए का वैल्यू थ्री कर दें और सी का वैल्यू टू ताकि दोनों का प्रोडक्ट सिक्स आ जाएगा, या फिर कर सकते हैं सिक्स और वन। तो यहाँ पर चार केसेज हो गया, और अगर ए सी सिक्स आ रहा है तो फोर ए सी का वैल्यू ट्वेंटी फोर। अब हम लोग बी क्या चूज करेंगे, फाइव रख सकते हैं, फाइव रखने से फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव इससे बड़ा है, या सिक्स रख सकते हैं। तो ये टोटल तरीका ए और सी चूज करने का चार वेज हुआ और बी चूज करने का टू वेज हुआ, तो ये टोटल एट वेज हो गया। अब अगर हम लोग सेवन रखते हैं तो सेवन में दो ही तरीका हो सकता है, नहीं सेवन पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ए वन लेते हैं तो सी तो सेवन नहीं आ सकता है, क्योंकि सी का वैल्यू जो है वो पासे को फेंक करके ला रहे हैं, और ये दोनों का प्रोडक्ट ए और सी का प्रोडक्ट सेवन लाना है, तो और दोनों वन से सिक्स तक नंबर रख सकते हैं,
तो अगर 1 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 तो रख नहीं सकते हैं, तो 7 पॉसिबल नहीं होगा, 7 को आप हटा दीजिए। 8 पॉसिबल हो सकता है। 8 कब पॉसिबल होगा? पहला तरीका, ए का वैल्यू हम लोग 1 और 1 भी नहीं, ए का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो यहाँ 8 लेना पड़ेगा, ये सब पॉसिबल नहीं है। सी का वैल्यू 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ए का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं और सी का वैल्यू 4। दूसरा तरीका होगा, ए का वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं और सी का वैल्यू 2। और कोई तरीका नहीं होगा, ए सी का प्रोडक्ट 8 लाना है तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, बस इतना ही पॉसिबिलिटी होगा। इसको 3 और इसको नहीं ला सकते हैं, 3 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 8 नहीं आएगा इंटीजर में। तो यहाँ पर यही दो पॉसिबिलिटीज़ है, 1 और 8 कर नहीं सकते हैं क्योंकि सी का वैल्यू 8 नहीं होगा। तो यहाँ पर 4AC कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 आ रहा है। अब बी का वैल्यू क्या होगा, 5 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर 32 से बड़ा नहीं है, तो सिर्फ 6 रख सकते हैं। तो ए और सी चूज करने का यहाँ पर दो तरीका हुआ और बी चूज करने का एक ही तरीका हुआ, तो यहाँ पर टोटल 2 वेज आया इस केस में। अब फिर 9 अगर रखते हैं तो 9 कैसे कैसे रख सकते हैं, अगर हम लोग देखें ए को 3 और सी को भी 3। देखिए और कोई 9 का फैक्टर नहीं होगा, 9 का फैक्टर जो होगा वो 1 × 9, ये पॉसिबल नहीं है, सी 9 नहीं हो सकता है। और फिर 3 × 3 ये पॉसिबल है, और फिर 9 × 1 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ पॉसिबल है 9 लाने के लिए, तो ए भी 3 हो और सी भी 3 हो तो ये पॉसिबिलिटी है। तो 9 × 4 हो जाएगा 36। और यहाँ पर हम लोग बी क्या लेंगे, अब बी सिर्फ हम लोग 6 ले सकते हैं क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 के इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC आ जाएगा, इसमें भी रियल रूट होता है। तो यहाँ पर ए और सी चूज करने का एक ही तरीका हुआ और बी भी चूज करने का एक ही तरीका हुआ, तो ये टोटल हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर अब 10 नहीं ले सकते हैं, अगर 10 ले लेते हैं, सपोज कीजिए 10 ले लेते हैं, तो 4AC आ जाएगा आपका 40। अब बी ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा ताकि बी स्क्वायर 40 से बड़ा हो, बी स्क्वायर 4AC से बड़ा हो। मैक्सिमम हम लोग बी का वैल्यू 6 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते हैं, 8 नहीं ले सकते हैं, तो बी जो है वो पासे को फेंक करके नंबर लाया जा रहा है। तो इसीलिए एसी को हम लोग अगर 10 रखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता, बी ही नहीं चूज कर पाएंगे ताकि रियल रूट हो। तो बस यही पॉसिबिलिटीज है। तो अब टोटल आप तरीका यहाँ पर देख लीजिए कि ये टोटल कितना आ रहा है। तो देखिए 5 + 8 = 13, 13 + 6 = 19, 19 + 9 हो जाएगा 28, और 28 + 4 = 32, 32 + 8 = 40, 42 + 1 = 43 हो जाएगा। तो टोटल तरीका 43 हुआ, यानी 43 ऐसे इक्वेशन बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रियल रूट होगा। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आप लिख लीजिएगा कि ई बी द इवेंट दैट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज रियल रूट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेज। तो फेवरेबल केसेज कितना आया 43 और टोटल केसेज कितना आ चुका था, टोटल केसेज हम लोग निकाले थे, टोटल केसेज देखिए यहाँ पर 216 है, तो ये 216 हो गया। तो ये निकल गया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल रूट होगा। जब हम लोग पासे को फेंक करके कोएफिशिएंट निकाल रहे थे तो उसका रियल रूट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 43/216। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और समझने वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा और एक बचा हुआ एम्पिरिकल डेफिनेशन भी प्रोबेबिलिटी का, तो उसको भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लिख करके, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैथमेटिक्स का वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलते रहे और आप पहले सबसे पहले इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।